पुरुषोत्तम ठेकेदार का पुरुषोत्तम लूट। ना कोई गली, ना कोई चौराहा, सीधे नेशनल हाईवे पर खुलेआम लूट का बसेरा। सोती अथॉरिटी और जागते भूमाफिया बेच रहे हाईवे पर अवैध विला। जितने चौड़ से ग्रेटर नोएडा की विकास प्राधिकरण नींद में सो रही है, उतने ही चौड़ में भूमाफिया जमकर अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। नेशनल हाईवे 91 पर धूम मानिकपुर गांव ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का नोटिफाइड एरिया है, मतलब यहां विकास प्राधिकरण की इजाजत के बगैर किसी तरह का निर्माण करना अवैधानिक है। गांव के पास हौज खास दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी पुरुषोत्तम दास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जमीन खरीदी थी। कंपनी के नाम और अस्पताल की करीब 62 बीघा जमीन पर कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है। पूरी जमीन की चार दीवारी करके प्लॉटिंग कर दी गई है। यहाँ छोटे छोटे भूखंड बेचे जा रहे हैं। जमीन पर बड़ी संख्या में निर्माण कर दिया गया है। इसी परिसर में करीब 2000 वर्ग मीटर भूखंड पर हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत अवैधानिक है, मगर क्या करें जना। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर आंखें और कान बंद करके बैठे हैं। ये माफियाओं का शाहबेरी पैटर्न है। धूम मानिकपुर गांव के निवासियों का कहना है कि चखड़ौड़, गोचर और ग्राम सभा की करीब 14 बीघा जमीन पर कब्जा है। गांव वाले लंबे अरसे से प्राधिकरण, जिला प्रशासन और दादरी तहसील में शिकायत कर रहे हैं। कई साल तक भागदौड़ करने के बाद 31 मार्च 2022 को दादरी के तहसीलदार ने मुकदमे में फैसला सुनाया। तहसीलदार ने जमीन से तत्काल कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिस पर कंपनी और भू माफिया ने कोई सुनवाई नहीं की। इस अवैध कॉलोनी के आसपास डेरी मच्छा गांव के ग्रामीण रहते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि सही मायने में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की है। हमें जानकारी मिली है कि प्राधिकरण के कुछ अफसर इस अवैध कॉलोनी में पार्टनर में है, जिसकी वजह से यहाँ खुलेआम लूट चल रही है। ग्रामीण आगे कहता है कि यहाँ काम कर रहे लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। ये आम आदमी को झांसे में लेकर लाखों रुपए ले लेते हैं। जब कोई अपना पैसा वापस मांगता है तो उसके साथ मारपीट और गुंडागर्दी करते हैं। आवासीय परिसर में कई आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं, जिनसे आसपास के पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण इसी वजह से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब हमने पुरुषोत्तम रियल इस्टेट के एक अधिकारी से पूछा कि इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर क्या है, तो जनाब का कहना था हमें यूपी रेरा में पंजीकरण करवाने और प्रोजेक्ट के लिए रेरा नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सवाल किया गया कि इस पूरी कॉलोनी और स्ट्रक्चर का नक्शा कहाँ से पास करवाया गया है, तो फिर कहता है हमें ना तो किसी अथॉरिटी से नक्शा पास करवाने की आवश्यकता है और ना ही स्ट्रक्चर ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। हमारी ज़मीन पूरी तरह फ्रीहोल्ड है।